गुड इवनिंग एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरी कोई भी वीडियो आपके काम आती है तो प्लीज मेरे चैनल वीडियोस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उस पर जरूर क्लिक करें। एक और चीज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज फीडबैक दीजिए मेरी वीडियोस का, कि मैं और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, बहुत से व्यूअर ने कमेंट किया है कि उनको अदर सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल चाहिए जो मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। कुछ यूजर्स का कहना है कि उनको एक पूरा प्रोजेक्ट की बिल्डिंग डिजाइन करते हुए वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। तो इस तरह से आप इसके अलावा मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव करूं, या मैं क्या गलती कर रहा हूं, या मैं किस तरह से चीजों को समझाऊं, तो वो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम एक्सट्रूड कर चुके थे और आज की वीडियो में करेंगे एडिट फ्रेम। आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं मैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म हो ईटैब और स्टैट प्रो की, उसके बाद सैप और ईटैब की वो सीरीज स्टार्ट हो, उसके बाद और अदर सॉफ्टवेयर की सीरीज और फुल प्रोजेक्ट मॉडल्स हम कर सकें। इसलिए मैं इन्हें जल्दी जल्दी चार चार पांच पांच वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे इनका ये मॉड्यूल खत्म हो सके और हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम एक्सट्रूड कर रहे थे, आज हम करेंगे एडिट फ्रेम। देखते हैं आज मैं यहाँ तक शायद अपलोड कर दूँ वीडियो। तो एडिट फ्रेम बहुत काम की चीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ई टैब ऑन करते हैं। देखिए पहले से मैंने एक ग्रिड डिफाइन की हुई है, डिफॉल्ट ग्रिड। इसके ऊपर मैं बीम कॉलम और ड्रॉ कर लेता हूं। कॉलम भी ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने बीम ड्रॉ किए तो आप देख रहे होंगे बीम के ऊपर कुछ एक्सिस दिखा रहा है, ये होते हैं लोकल एक्सिस, इस बीम के खुद के एक्सिस। देखिए इस वाले बीम का देखिए आप, जो रेड कलर में दिखा रहा है एरो, ये इसका एक्स एक्सिस है, जबकि हमारा ग्लोबल एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। और इस वाले बीम के लिए एक्स एक्सिस की लेंथ के अलोंग होता है आपका, और ये इसका वाई होता है। तो लोकल एक्सिस है ये, अगर हटाने हो आपको या देखने हो तो आप इस मार्क पे जाएंगे, टिक मार्क पे, और यहाँ पे जाएंगे अदर असाइनमेंट, ये हमारे फ्रेम्स में आता है, लोकल एक्सिस को आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ बीम और कॉलम ड्रॉ कर लिए। कोई एक बीम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये बीम सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अब हम टूल पर जाते हैं। आज का टूल है हमारा एडिट फ्रेम्स। फ्रेम्स का मतलब पहले बता चुका हूँ, होता है बीम और कॉलम। तो एडिट में क्या है, यहाँ पे आपका एडिट फ्रेम, इसके अंदर चार चीजें आ रही हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड बीम्स, डिवाइड फ्रेम्स। डिवाइड फ्रेम दरअसल काम करता है डिवाइड करने का। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डिवाइड इंटू डैश पार्ट्स। जैसे कि हमारा एक बीम है, अगर मैं यहाँ पे टू डला हुआ है और ओके पे केवल कर्सर ले आता हूँ तो ये बीम हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं थ्री ले आता हूं तो ये हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं फोर ले आता हूं तो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके करके देखते हैं, डिवाइड का मतलब क्या है, यहां पे जॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। देखिए ठीक है, नेक्स्ट बीम सेलेक्ट करके दोबारा एडिट के हम टूल में जाते हैं, एडिट डिवाइड्स। नेक्स्ट है आपका बीम, वो सॉरी ब्रेक एट इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम एंड जॉइंट। इसका मतलब है दो बीम अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, जॉइंट। देखिए पहले हम ऐसे एक कंडीशन बना लेते हैं, इसे क्लोज करके। मैंने ये वाला लाइन वाला बीम लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे डायगनल बना दिए, ये डायगनल बना दिए। अब ये दोनों यहाँ पर कोई जॉइंट तो है नहीं हमारा, ओवरलैप हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो
यहाँ पे ज्वाइन कैसे बने, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और एडिट फ्रेम्स डिवाइड और ये सेकंड वाला ऑप्शन लिया हमने, ओके प्ले आ रहा हूँ। देखो सेंटर में भी ये ज्वाइंट बना देगा और कॉर्नर के ज्वाइंट तो पहले से ये ओके पे माउस लाइन से सारे ज्वाइंट शो करता है जितने भी हैं। तो चार ज्वाइंट जो आपके कॉर्नर्स पे हैं ये तो हैं पहले से, एक सेंटर में और बन जाएगा। ओके करके देख लेते हैं, देखिए बन गया ये ज्वाइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, एडिट फ्रेम्स डिवाइड फ्रेम्स। नेक्स्ट कह रहा है ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद विजिबल ग्रिड लाइंस, यानी कि लाइन वहां पर जॉइंट क्रिएट करेगा ये जहां पर ग्रिड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो एग्जांपल थोड़ा सा रीड करके मुझे कंडीशन वैसी बनानी होगी। देखिए ये बीम मेरा यहां से स्टार्ट है और यहां फिनिश है, और दूसरा बीम मैं यहां से यहां पर फिनिश कर रहा हूं। तो ये दोनों बीम जो है, ये वाला बीम और ये वाला बीम, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी ग्रिड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एडिट फ्रेम डिवाइड में जाता हूँ तो अब हमारा जॉइंट कहाँ पे बनेगा, जहां पे ग्रिड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। ओके कर देते हैं, ये देखिए जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एडिट एडिट फ्रेम्स डिवाइड के बाद है जॉइन फ्रेम, जैसे कि हमारा डिवाइड हो चुका है या इस बीम को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड हो चुका है हमारा, देखिए जॉइंट बन चुके हैं इतने। इस बीम को दोबारा सिलेक्ट किया हमने, एडिट फ्रेम जॉइन, अब ये जॉइन हो गया, ठीक है, इजी। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद है रिवर्स फ्रेम कनेक्टिविटी, अभी आपको उसके बारे में ध्यान से देखिए। इस बीम का मैं लोकल एक्सिस चेक करता हूं पहले, इस बीम का जो एक्स है वो यहां से इधर जा रहा है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट इसका ये है और एंड पॉइंट इसका ये है, ठीक है, और ये एरो ऐसे जा रहा है। अगर मैं एडिट में जाकर एडिट फ्रेम में कर दूं रिवर्स कनेक्टिविटी, तो देखिए इसके जो लोकल कोऑर्डिनेट है वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट आप चलते हैं हम एडिट फ्रेम्स में, मॉडिफाई शो फ्रेम्स टाइप्स, ये लॉक है, जब तक एक बीम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। पहले हम ये लोकल एक्सिस थोड़े हटा देते हैं यहां से। देखिए मैंने एक बीम सेलेक्ट किया और मैं एडिट में गया और ये हमारा एडिट फ्रेम का लास्ट ऑप्शन है मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी। ये क्या कर रहा है कि ये इस लाइन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है यहाँ पे कि स्ट्रेट हमने डिफॉल्ट थी जब बीम बना रहे थे। देखिए एक बार चीज और दिखाता हूँ, जब मैं इस बीम को ड्रॉ कर रहा था यहाँ से तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, तो यहाँ पे लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट है ना, तो वही हमें अगर चेंज करनी है ड्रॉ करने के, अभी तो हम यहाँ से चेंज करके ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व करनी है क्या करनी है, बट हमने ड्रॉ कर चुके हैं तब कैसे करेंगे। तो हमने ये लाइन सिलेक्ट की, हमने एक बीम सिलेक्ट किया, जैसे कि इस लेट के स्ट्रेट है, हमें इसे कर्व बनाना है तो लास्ट ऑप्शन बचा है मॉडिफाई एंड शो फ्रेम। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कर्व, रेडियस डाल दी हमने 12 मीटर, और अगर हमने 12 किया तो देखिए कर्व बन गई। तो इसी तरह से हम लाइन की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कर्व में। तो ये था हमारा एडिट फ्रेम, और इसके बाद हम एडिट सेल्स पे जाएंगे। इसी तरह से हम एक एक टूल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू।